हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि हर एक नई वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं, तो गाइस आज भी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास एक वुलन लेगिंग पड़ी हुई है। तो गाइस, आज इस वुलन लेगिंग की ओल्ड वुलन लेगिंग है, एक्चुअली इसका वेस्ट है तो मैं इसे फेंकने वाली थी, बट मुझे एक आइडिया आया तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइस, ये जो ओल्ड वुलन लेगिंग है मेरी, इससे आज मैं आपको कुछ नया बना के दिखाने वाली हूँ, इसका यूटिलाइज़ बताने वाली हूँ। फेंकने की बजाय आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आपके पास भी इस तरीके की और लेगिंग है। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो ओल्ड लेगिंग की बताई हुई थी, उसका भी यूटिलाइज़ बताया हुआ था, उसके मैंने एक्चुअली सॉक्स बना के आपको दिखाए हुए थे। ये देख सकते हैं गाइस, ये हैं अंगूठे वाले सॉक्स। गाइस, ये जो सॉक्स होते हैं मोस्टली लेडीज़ या गर्ल्स पहनती हैं, क्योंकि स्लीपर वगैरह में वो इसी टाइप की सॉक्स वेयर करते हैं। बट जो बॉयज़ के सॉक्स होते हैं या फिर हम लोग गर्ल्स ही शूज़ में जो सॉक्स पहनते हैं, वो अंगूठे वाले सॉक्स नहीं होते हैं, वो हमारे सिंपल सॉक्स होते हैं जिसमें अंगूठे बने हुए नहीं आते हैं। तो गाइस, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे एक कमेंट आया था जो नॉर्मल सॉक्स होते हैं वो भी बना के दिखाएँ, तो गाइस इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारे नॉर्मल सॉक्स होने वाले हैं, इसको भी अगर आप नए कपड़े से, नए फैब्रिक से या फिर ऊन वगैरह से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप ओल्ड फैब्रिक से ही बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे गाइस, ये मेरी वुलन लेगिंग है, तो इसी से मैं आज आपको सॉक्स बनाना बताने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, इस तरीके से पहले हमें इसका जो लेग वाला पोर्शन है वो ले लेना है और उसको इस तरीके से अपने पैर के अंदर डालना है। आप देख सकते हैं गाइस, इससे क्या होगा गाइस, हमारा मेज़रमेंट हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने मेज़रमेंट लेने का तरीका अलग बताया था, बट ये वाला तरीका काफ़ी ईजी है, इसको कोई भी कर सकता है। जिसको बिल्कुल स्ट्रिचिंग नहीं आती वो तो आराम से कर लेगा। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से अपने लेग वाला पोर्शन अपने पैर के अंदर इस तरीके से डाल लेना है। तो गाइस, ये सारा मेज़रमेंट करने के बाद हमें इसमें चौक से भी निशान लगाना होगा, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने उल्टा कर लिया है। अब इसको मैं डाल रही हूँ पैर के अंदर इस तरीके से। तो गाइस, इस तरीके से डालने का मतलब ये होता है कि आपको कोई मेज़रमेंट मिल जाएगा, प्लस आपको आपकी लेंथ पता चल जाएगी कितनी रखनी है। तो गाइस, मुझे तो इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, एक्चुअली मेरे को एंकल ही पसंद है, तो मैं इसको ज़्यादा तो नहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा एंकल से ऊपर रख रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जितना भी आप चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे लेडीज़ वगैरह ज़्यादा लेंथ ही पहनती हैं, तो आप चाहें तो उतना कर सकते हैं। आप देखिए, इस तरीके से मैंने मेज़रमेंट भी कर दिया है चौक से, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, जो ये मेज़रमेंट मैंने किया है, मेरे अंगूठे से थोड़ा सा एक एक इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, क्योंकि गाइस एक एक इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है मैंने ताकि जब मैं इसको कट करूँ तो ईजी से कट हो जाए, प्लस जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें मार्जिन के लिए एक एक इंच एक्स्ट्रा हम लेते ही हैं हमेशा हर चीज़ में, तो इसलिए मैंने एक एक इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए गाइस, देखिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, और गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा सॉक्स कट हो चुका है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, परफेक्ट मेरा सॉक्स कट के आ चुका है। तो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी पहन के ही कट कर दिया था डायरेक्ट, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उंगली वगैरह कटने का डर भी रहता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उसने जो अपने चौक का निशान लगाया है उसी मेज़रमेंट पर आप उसको कट कर सकते हैं ईजिली से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो चले गए सेम एज इस तरीके से हम दूसरे सॉक्स भी कट करेंगे। तो गाइस, दूसरे सॉक्स में हमें कुछ नहीं करना है, फिर इसी सॉक्स को रखना है, देन इसी के जैसा हमने कट कर लेना है। तो चलिए गाइस, इसमें सीधे से हम मेज़रमेंट करते हैं, देन हम कट कर लेंगे। और गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मेरे दोनों सॉक्स कट हो चुके हैं और अब हमारा स्ट्रेचिंग का काम है। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं अब। तो गाइस देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मशीन पर, और अब गाइस हमारा बस स्टिचिंग का काम ही रह गया है। और देखिए गाइस, बस कुछ ही मिनट्स में हमारा सॉक्स बनके रेडी हो जाएंगे, वुलन सॉक्स। तो गाइस, पहले हम इस वाले पोर्शन में स्टिचिंग करते हैं, सिर्फ फिंगर्स वाला पोर्शन हम पहले बंद करते हैं क्योंकि यही पोर्शन हमारा खुला हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं, स्टिचिंग हो चुकी है मेरी इस वाले पोर्शन में। तो गाइस, अब हमें क्या करना है गाइस, इसमें थोड़ी फिटिंग भी देनी होगी आपको, उसको सुलटा करके दिखाती हूँ वैसे मैं, बट ऐसा क्या होगा गाइस, इससे हमारी फिटिंग तो नहीं आएगी, बट ये होगा कि हाँ, चारों ओर से हमारा सॉक्स अब बंद हो चुका है। देखिए गाइस, एक तरीके से स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से बन के आया हुआ है, बट अभी भी इसमें फिनिशिंग नहीं आई हुई है, अभी मैं इसके चारों ओर स्टिचिंग करनी हुई ताकि इसमें ना सफाई तो आए, साथ ही साथ इसमें फिटिंग भी आ जाए, थोड़ा सा शेप जो हमारा आता है सॉक्स का वो भी आ जाए। तो चलिए गाइस, पहले इसके हम चारों ओर स्टिचिंग कर लेते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो, यूज़फुल लग रही हो, तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा गाइस, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके के और ढेर सारी वीडियोस ला सकूँ।
तो गाइस देख सकते हैं स्टिचिंग हो चुकी है मेरी। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्टिचिंग इसके चारों ओर मैंने करी। और ये मेरा दूसरा सॉक्स है, दूसरे सॉक्स पे आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए गाइस इस तरीके से मेरे दोनों सॉक्स में मैंने चारों ओर से स्टिचिंग करी। गाइस वैसे तो हमारे दोनों साइड बंद होते हैं, बट हमारा फिंगर वाला पोर्शन ही खुला था। बट गाइस क्या होता है कि हम चारों ओर से स्टिचिंग जब तक नहीं करेंगे इसमें फिटिंग नहीं आती है और फिनिशिंग लुक भी नहीं आता है। तो इसलिए इसके तीनों ओर हमें स्टिचिंग करनी है। एक साइड से तो हम इसको पहनते हैं तो तीन साइड हमारा बंद अच्छे से होनी चाहिए, स्टिचिंग होनी चाहिए उसमें, जिस तरीके से मैंने इसके चारों ओर से स्टिचिंग करी है। अगर आपको भी फिनिशिंग लुक चाहिए तो इसी तरीके से इसके तीनों ओर से स्टिचिंग करके रखिएगा, तभी इसमें अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आएगी। तो देखिएगा इसमें आपको इसको सुलटा करके दिखा देती हूँ, अपने दोनों सॉक्स किस तरीके से बन के आए हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको उसको वेयर करके भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये लग रहे हैं वेयर करके। तो देख सकते हैं एक ये वाले पैर का और एक ये वाले पैर का है, अलग अलग हैं दोनों। और आप देख रहे होंगे गाइस दोनों में फिनिशिंग लुक कितने अच्छे से आ रखा है। और फिटिंग देखिए गाइस मैं आपको उसको जब वेयर करके दिखाऊंगी ना, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो स्टिचिंग करने से यही होता है कि फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही काफ़ी सुंदर आती है। तो चले गाइस मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस ये है मैं आपको वेयर करके, जैसे कि मैंने आपको कहा अभी भी दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस मैंने आपको वेयर करके दिखा दिए हैं, कुछ इस तरीके से मेरे सॉक्स बन के आए हुए हैं। और गाइस आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये घर में बनाए हुए हैं वेस्ट फैब्रिक के। तो गाइस स्टिचिंग आने का यही बेनिफिट होता है कि हम किसी भी वेस्ट फैब्रिक का यूटिलाइज़ करके कुछ भी अपने लिए बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है आप देख सकते हैं आप। तो गाइस मुझे तो ये सॉक्स पर्सनली बहुत अच्छे लगे, तो इनको बनाने के बाद गाइस मैं तो इसको मार्केट वगैरह कहीं भी पहन के चले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अगर गाइस आपको भी सच में बहुत अच्छे लगे तो आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इफ़ एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।